हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुरा माने। आज हमारे साथ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो रिसेंटली बहुत अच्छे कंपनी में जॉब प्लेस हुआ है, उन्हें बहुत अच्छा जॉब मिला है। सो उनकी कहानी, उनके जो स्टोरी है, आज उनसे सुनते हैं। सबसे पहले मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। हेलो एवरीवन, आई एम रितिक एंड आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड आई ऑल्सो कंप्लीटेड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। And recently I got placed in a very good German MNC called Hitit India Private Limited. Okay. And how did you come to know about DeScien? I got to know about DeScien during last year in June when lockdown period is going on. And I am searching for internship. And I saw the post of DeScien on LinkedIn. Okay. And I directly messaged to the DeScien ki sir mujhe internship karna hai, sir mujhe guide karo. और वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम देम। ओके, तो कुछ ऐसे दिमाग में था आपके कि मुझे इसी फील्ड में करना है या सभी फील्ड को रिलेटेड आपने इंटरेस्ट लिया इसमें? नहीं, मुझे ऐसा मैंने कुछ फील्ड का रेफरेंस नहीं लिया था, लेकिन मुझे कुछ तो करना है ये मेरा डिसाइड था। okay. इसलिए DeScien के साथ स्टार्ट करूँ तो ये बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ। और आपका इंटरव्यू और मतलब आप DeScien से जुड़े कैसे? DeScien से तो जैसे मैंने मैसेज किया सर को, सर का वेरी नेक्स्ट डे मुझे जैसे मैंने बताया मुझे रिप्लाई आया। सर ने मेरा पहले तो मनीष सर के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर मेरा प्रनीत सर के साथ इंटरेक्शन हुआ। दोनों ने मुझे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जिनमें उन्होंने मुझे टेस्ट करने की कोशिश की। लाइक उन्होंने मुझे मेरे स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मेरे स्किल्स रिलेटेड, मेरी हॉबीज, मेरे इंटरेस्ट रिलेटेड, ऐसे वेरियस क्वेश्चन पूछ के उन्होंने मेरे इंटरेस्ट देखने की कोशिश की और मुझे टेस्ट किया। और उन्हें मेरा इंटरेस्ट लगा इस चीज़ करने के लिए और मेरी नीड भी उनको दिखी। okay. तो तब उन्होंने मुझे इंटर्नशिप प्रोवाइड करी। और कितने पीरियड का आपने इंटर्नशिप किया है? मैंने 3 महीने डिज़ाइन इंटर्नशिप किया, फिर 3 महीने मैंने बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्नशिप किया एंड नाउ आई एम डूइंग एज अ फ्रीलांसर, आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर विद DeScien। ओके, और जो 3 महीने आपने स्टार्टिंग का जो इंटर्नशिप किया उसमें आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या स्टेजेस थे? द ट्रेनिंग विद DeScien इज डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस। फर्स्ट वन वाज ट्रेनिंग स्टेज इन विच आई गॉट टू लर्न अबाउट द स्केचेस, पार्ट मॉडल, असेंबली मॉडल एंड लास्ट वन वाज ड्राफ्टिंग मॉडल। एंड सेकंड वन वाज एप्लीकेशन स्टेज इन विच दे हैव गिवन अस a real-time industrial problem statement to solve and develop a one product, which was our internship project. And third one was a personality improvement task in which we have to shoot a one video which they have posted on their YouTube channel. And last one was market survey activity. Okay, उस पे बेस करके आपको आगे क्या उन्होंने ये किया, गाइड किया कि ये आपका फील्ड ले सकते हैं आप और यहाँ पे आप स्ट्रांग हो, यहाँ पे और वीक हो, ऐसा कुछ आपको फीडबैक मिला था या नहीं? जो जैसा मैंने इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस किया उनको मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखा कि वाह, ये लड़के को कुछ तो करने की इच्छा है और हमें इससे सपोर्ट करना चाहिए। तो उसी बेसिस पे उन्होंने मुझे, मेरा जब इंटर्नशिप ख़त्म हुआ DeScien का, तो कुछ 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि तुम बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हो। तो मैंने बिना कुछ सोचे सर को हाँ बोल दिया, मुझे करना था क्योंकि कुछ ना कुछ। तो इतना अच्छा आपका मतलब उनके साथ अभी रिलेशनशिप बन गया था कि आपको मतलब आप पे उनको ट्रस्ट लगा कि आप कर सकते? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग विथ ट्रेनिंग ऑफ कॉर्पोरेट डिजाइन ट्रेनिंग सर इंटरेक्टेड विथ मी मैनी टाइम्स ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक ट्रेंस रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आवर डिस्कशन, हमारे बहुत से टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ। उसके वजह से एक ऐसा हुआ कि हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गया और मेरे जो भी दिल की बात होती थी ना, मैं डायरेक्टली सर को बोलता था कि सर मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे आगे जाके ये करना है, मुझे सर इसमें और आगे मेरा करियर बनाना है। मैं सर को डायरेक्टली बोलता था, मैं डरता नहीं था। तो बात सही, सर को कहीं ना कहीं मुझे लगता कि सर को अच्छी लगी और उनको लगा कि ये बंदे को सच में आगे जाके कुछ करना है, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये आगे अपॉर्चुनिटी दी। और अगर आप मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आपको इंटरव्यू में कुछ हेल्प हुआ आपकी कंपनी में? डेफिनेटली डेफिनेटली, जो बिजनेस डेवलपमेंट मैंने एक्टिविटी की ना,
बेसिकली मैं जो पोजीशन के लिए प्लेस हुआ वो है सेल्स इंजीनियर ट्रेनिंग. और मैंने मेरे इंटर्नशिप के ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप मैंने जो बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी करी ना, जो कि मैं स्टूडेंट के साथ बात करता था, उनका इंटरेस्ट जान के लेता था, उनको डेसाइन प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करता था, वो सब चीज़ें मुझे ये मेरे इंटरव्यू में काम आई. ओके, तो आपका मेन टारगेट कौन था ये सारा, मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो कोर्स है डिजाइन का वो कौन से स्टूडेंट को या कौन से स्ट्रीम रिलेटेड मतलब रुकता है या सारे स्ट्रीम को यूज़ होता है, सारे स्टूडेंट्स को, कौन से ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? बेसिकली इट इज़ डेडिकेटली फॉर द फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट. ओनली मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्लेस इन वन प्लेस इन कंपनी. उनको इंटरव्यू देने जाना है अभी, उनको स्किल्स की सबसे ज़्यादा गरज है. क्योंकि आपको तो पता है कि हमें कॉलेज में जो हम सीखते हैं, जो भी कॉलेज में हम थियोरेटिकल सीखते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे वो सीख के हम ऐसा बोल सकते कि हम इंजीनियर बन गए. सही है. जब तक हम प्रैक्टिकली सीखते नहीं, जब तक हमारे को कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हमारे पास नहीं आती, तब तक हम अपने आप को इंजीनियर बोल सकते हैं ऐसा, इंजीनियर है ऐसा हम नहीं बोल सकते. इंजीनियर के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए होती है जो कि हमें आगे जाके जॉब के लिए हेल्प करे. तो वो सब चीज़ें हमें थियोरेटिकली कॉलेज में सीख के नहीं मिलती, हमें कुछ तो भी एक्स्ट्रा प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है. हाँ. जो कि डिजाइन है मेरे हिसाब से. और अगर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी को अगर डिजाइन में करना है जॉब, डिजाइन, बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं मैकेनिकल. हाँ, को अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से देखे तो मतलब ऐसे बता सकते हैं कि अगर डिजाइन का ये कोर्स किया तो वो कौन से भी फील्ड में जा सकता है. हाँ बेसिक, हाँ स्टार्टिंग फ्रेशर एज अ स्टार्टिंग एज अ स्टार्ट मतलब फ्रेशर के जैसा स्टार्टिंग करने के लिए हमें कोई भी फील्ड को स्टक करके नहीं रहना चाहिए. मतलब जो भी पोजीशन के लिए हमें काम मिले एज अ फ्रेशर हमें वो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से. क्योंकि जो भी हम सीखते हैं उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, वो हमें आगे जाके फ्यूचर में जरूर हेल्प करता है. हाँ, पर अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मुझे डिजाइन में करना है या मुझे मैनेजमेंट में करना है, तो उनके लिए ये कोर्स है या नहीं? है ना, डिजाइन इंटरेस्ट जिसको डिजाइन इंजीनियर बनना है उनके लिए तो ये कोर्स है ही. हाँ, लेकिन अगर सेल्स में भी जाना है तो भी ये कोर्स है. Okay, मतलब कोर में अगर यूज कर सकते हैं, कोर में कहीं पे भी यूज होता है. क्योंकि ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. हम कहीं पे भी जाएंगे, हम क्वालिटी में भी जाएंगे तो हमारे को ड्राइंग का नॉलेज लगता है. हमें कोई भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमें को ड्राइंग का नॉलेज लगता है. तो ये कोर्स मेरे हिसाब से हर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपने यही क्यों चूज़ किया, डिजाइन को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मतलब सारे कॉलेज में वो लोग लेते हैं एक एक फोरम, मतलब एक हर एक सेमेस्टर में एक एक प्रोग्राम रहता है. और सम आउटसाइडर्स को भी वो लेते हैं कि इंटर्नशिप के लिए हमारे स्टूडेंट्स हैं. पेड इंटर्नशिप्स भी रहते हैं, अनपेड भी रहते हैं. तो उनसे डिजाइन कैसे अलग है आपको लगता है? कॉलेज में बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आते हैं, बहुत से कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले आते हैं, लेकिन सब क्या करते हैं, पैसे लेते, 4-5 हज़ार रुपये लेते, एक दो हफ्ता सिखाते, सर्टिफिकेट देते, चल जाते. फ्यूचर सपोर्ट की कोई बात नहीं करता. और सिर्फ सर्टिफिकेट लेके हम ये नहीं बोल सकते कि हमें वो स्किल आ गई. राइट. जब तक हम खुद को प्रैक्टिकल कंडीशन में जाके एक्सप्लोर नहीं करते, तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो स्किल हमारे पास आ गई. सिर्फ सर्टिफिकेट लेके नहीं बोल सकते. तो बाकी सब इंस्टीट्यूट वैसा ही करते, सिर्फ सर्टिफिकेट देते, दो हफ्ता सिखाते, चल जाते. लेकिन डिजाइन वैसा नहीं है. डिजाइन तुम्हारा हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारे को एक अच्छी जॉब नहीं लग जाती. मतलब वो गारंटी नहीं देते कि तुमको 100% प्लेसमेंट मिलेगी, लेकिन तुम्हारे को 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा, इसकी गारंटी वो जरूर देते हैं. तो मतलब बाकी के ऐसे आपने देखे कि जॉब ही देंगे, 100% जॉब देंगे, ऐसे आए थे आपके पास आपके कॉलेज में? हाँ बोले थे, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे. पैसे मतलब तो वो सारा ही होता है. मतलब वो बोल रहे थे कि हम ट्रेनिंग तो देंगे आपको, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से पैसे भरने पड़ेंगे. जो भी 8-10 हज़ार हो वो भरने पड़ेंगे आपको. तो उतना मैं नहीं भर सकता था. तो आपने 3 महीने फ्री ये किया इंटर्नशिप, एंड देन 3 मंथ्स यू डिड इट पेड, राइट? यस. तो डिफरेंस आया या फिर आपको ज़्यादा सीखने मिला, सेम था पेड एंड फ्री, या मतलब कुछ अलग किया आपने? तो बेस जो मेरा पेड इंटर्नशिप था वो रिलेटेड था बिजनेस डेवलपमेंट. मतलब मुझे डिजाइन के बारे में स्टूडेंट्स लोगों को बताना था. और जो मेरा फ्री इंटर्नशिप था वो था मेरा डिजाइन कॉर्पोरेट डिजाइन ट्रेनिंग का इंटर्नशिप, जिसके अंदर मुझे सिर्फ सीखना था और मुझे अप्लाई करना था और एक प्रोजेक्ट बनाना था. तो ये टोटली डिफरेंट हम ऐसा बोल सकते. लेकिन जो मैंने
कॉर्पोरेट डिजाइन ट्रेनिंग इंटर्नशिप में सीखा वही मुझे स्टूडेंट्स लोगों को बताना था, मतलब उनको एक्सप्लेन करने का था डिजाइन के बारे में, तो ये था सब। ओके, तो मतलब उनका इंटरेस्ट आप ले पाए? इंटरेस्ट मुझे जान के लेना था उनका कि बस स्टूडेंट को इस फील्ड से कितना इंटरेस्ट है इस फील्ड में। मतलब ऐसे था कि स्टूडेंट सिर्फ यही लाइन को अट्रैक्ट करते कि जॉब मिलेगा, या जो कोई था ऐसे थे स्टूडेंट की जेन्युइनली जिनको सीखना था, ऐसे कोई आपके पास कुछ ऐसे? तो ऐसे तो बहुत से, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मिले कि जिनको सीखने का इंटरेस्ट था, वो बहुत इंटरेस्टेड थे करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे से लेके बहुत लोग स्टॉक हो जाते हैं, मतलब पैसे के बारे में सोच के बहुत लोग नहीं करते। लेकिन डेसाइन अभी एक इनिशिएटिव के साथ आ रहा है जो कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन का, जिसके अंदर वो 500 में वो चार बहुत अच्छे इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉर्पोरेट डिजाइन ट्रेनिंग का कोर्स है, सेकंड वन वाज इंडस्ट्रियल ड्राइंग रीडिंग का, थर्ड वन वाज पोर्टफोलियो बिल्डिंग, एंड लास्ट वन वाज इंटरव्यू प्रिपरेशन। जो भी मैकेनिकल इंजीनियर एक कोर्स लेगा तो उसको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, और इसमें से वो कुछ स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं और उनको लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस देने वाले। तो ये बहुत अच्छा प्लान मुझे लगा डेसाइन का। ये अभी वर्किंग में है या नहीं? ये वर्किंग में। ओके, और इसमें से मेजर टेक आउट क्या होगा आपका पूरा एक्सपीरियंस अगर आप आपके सामने रखो तो? पूरा एक्सपीरियंस अगर मेरे जो ये प्रोसेस थ्रू में गया ना, उसके वजह से मेरे अंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी में तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही, साथ ही साथ मेरे कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो ये प्रोसेस थ्रू मुझे लेके गए हो, अच्छा, वो प्रोसेस के वजह से मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं अपने आप को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर और एक्सप्लोर कर पाया, मैं लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकूँ, इसका मुझे एक रास्ता मिला इससे, तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे सीखने। मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट, आपकी पर्सनालिटी चेंज, आपका नॉलेज तो बढ़ ही गया, और पूरा मतलब उसका यूज आपको इंटरव्यू में भी हुआ, और इसके वजह से आप प्लेस भी हो गए। आपको मतलब एक बात बताना चाहूंगा, जो मैं पर्सन बिफोर दिस इंटर्नशिप था, जो मैं बिफोर दिस इंटर्नशिप था, वो बहुत डिफरेंट था, मैं आज कुछ डिफरेंट हूँ, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हूँ और इम्प्रूव भी हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है कि एज अ पर्सन आप चेंज हुए। थोड़ा बहुत मेरा पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, एकदम भी ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, राइट। और फिर मतलब आपको क्या आप बताना चाहोगे आप व्यूअर्स को कि? हाँ, तो मैं बेसिकली एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें ना किसी हम नहीं क्या हम सब लोग एक गलती करते हैं, हम प्रोसेस से ज़्यादा उसके रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। हम सब लोग प्लेसमेंट के बारे में सोचते तो है, लेकिन वो प्लेसमेंट के लिए जो प्रोसेस थ्रू हमें जाना पड़ता है, जो प्रोसेस हमें करना पड़ता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नीड्स अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक प्रोसेस थ्रू जाना चाहिए जो हमारे पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करे, जो कि मैं कह सकता हूँ कि मैं गया डेसाइन के साथ और एक बहुत अमेजिंग जर्नी थी डेसाइन के साथ मेरी। ओके, और आपको लगता है कि फाइनल ईयर, मतलब आपको क्या लगता है कि अगर फाइनल ईयर को छोड़ के थर्ड ईयर सेकेंड ईयर वाले अगर इंटरेस्ट लेंगे तो फाइनल ईयर तक उनका पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा यार उनको, या वो बूस्ट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। ओके, लेकिन बेसिकली हम टारगेट करें प्री फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट को, क्योंकि सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट को इतना उसके बारे में वो अवेयरनेस नहीं होता है, उनको सिर्फ पढ़ाई की तरफ उनका कंसंट्रेशन होता वो है बेसिक। लेकिन वो जैसे हम थर्ड ईयर में आते हैं ना, तब हमारा अवेयरनेस डेवलप होना चालू होता है, राइट। तो उन लोगों को एक कोर्स दिया रहा तो देंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे हिसाब से। सो ऋतिक से बात करके हमें ये पता चलता है कि कॉलेज लाइफ एक कम्फर्ट जोन है, उससे बाहर निकल के हमें नए स्किल्स, नए इंटर्नशिप करना चाहिए, जैसे ऋतिक ने किया, अपने एक कम्फर्ट जोन से बाहर जाके उसने वो सब सीखा और उसका यूज़ उसको जॉब में, इंटरव्यू में, उसके एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हुआ, कॉन्फिडेंस में भी उसके बूस्ट आया, एंड मतलब ओवरऑल उसका एक चेंज उसे मिला, मतलब उसको खुद को एक सेटिस्फैक्शन मिला उस चेंज से। So it was nice talking to you, Ritik. Thank you. Thank you. Thank you so much.